हेलो दोस्तों, आजाद स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आवाज़। आवाज़ से दोस्तों कई बार सीटेट पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं और हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं थ्योरी की ओर। दोस्तों, हेडिंग है आवास। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भिन्न भिन्न जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है हर जगह जो है अलग अलग आवास या घर पाए जाते हैं जो हमें सर्दी, गर्मी, बरसात और तूफान आदि से बचाते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो घर हैं, जो आवास हैं, वो भौगोलिक स्थिति और जलवायु पर निर्भर करते हैं। अगर कहीं पर समतल मैदान है तो वहां पर घर अलग होंगे और कहीं पर अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां पर घर अलग होंगे और कहीं पर अगर पानी ही पानी पाया जाता है तो वहां पर घर या आवास अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में निम्न घरों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये भूपेन नाम का एक लड़का है जो बताता है कि असम के मोलन गांव से आया हुआ है। ये इनके यहाँ जो है बहुत बारिश होती है, इसलिए जो है इनके जो घर होते हैं वो जमीन से लगभग जो है 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर जो है अंदर से भी जो है लकड़ी के बने होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है मजबूत बांस के खंभे हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो जो है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर है। यानी जो पूरे जो घर बना होता है वो लकड़ी से ही बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये चमेली नाम की एक लड़की है जो बताती है कि मनाली से आई हूँ और एक ये जो है मनाली एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है, इनके यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यानी बारिश के साथ साथ इनके यहाँ जो है बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना इनको अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। इनके जो मकान हैं दोस्तों पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनाली में के जो मकान हैं या आवास जो हैं वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पे बारिश होती है और बर्फ भी गिरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये काशीराम नाम का एक लड़का है दोस्तों, बताता है कि ये जो है राजस्थान राज्य से आया हुआ है। राजस्थान के एक गांव से आया हुआ है। यहाँ जो है बारिश जो है बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के जो लोग हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी वाले घरों में रहते हैं और मिट्टी के जो घर में रहते हैं उनकी दीवारें भी बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो अपने घर जो है मिट्टी की मोटी दीवारों से बनाते हैं और इसमें जो है खिड़कियाँ भी लगी होती हैं और ये कटीली झाड़ियों की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दोस्तों, हेडिंग है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाउस बोट होती हैं या कह सकते हैं कि नाव के घर होते हैं। ये डल झील का एक दृश्य है जिसमें लोग शिकारे में बैठते हैं और चप्पू चलाकर और चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दोस्तों, ये इग्लू घर है और एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपना जो घर होते हैं वो बर्फ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू घर या इग्लू आवास कहा जाता है। दोस्तों, ये जो घर होता है वो गुम्बद के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दोस्तों, लेह और लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ जो घर जो है 2 मंजिले होते हैं। यहाँ पे पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं।
दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं यहाँ से, तो ये हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए और एक बार नहीं दो तीन बार सुनिए क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक जो है रखकर बनाए जाते हैं यहाँ के घर, उन पर मिट्टी मिट्टी और चूने से पुताई की हुई होती है, यानी लेह और लद्दाख में जो घर जो 2 मंजिल के बने होते हैं उसमें मिट्टी और चूने को दोनों को मिला के पुताई भी की जाती है। अंदर से जो घर होते हैं वो छप्पर जैसे होते हैं, लग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तरह तरह की घास फूस पड़ी होती है। और जो है लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल, यानी जो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं वो पहली मंजिल पर होती हैं। दोस्तों लद्दाख को शीत प्रदेश या ठंडा प्रदेश भी कहा गया है, इसलिए यहाँ पे जब ठंडी होती है तो ठंडियों से बचने के लिए यहाँ पे जो फर्श है ये वो भी लकड़ी की ही बनाई जाती है और सीढ़ियाँ भी जो होती हैं पहली मंजिल की वो लकड़ियों की ही होती हैं। उसने बताया कि एक तासी नाम का लड़का है, वो बता रहा है यहाँ पर कि उसका जो परिवार है वो परिवार जो है ऊपर की मंजिल में रहते हैं, यानी परिवार जो है उसका ऊपर की मंजिल में रहता है और नीचे वाली जो मंजिल में है वो जानवर रहते हैं और जरूरत की सामान भी इकट्ठा कर कर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंट को बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं कि, और अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों सर्दी के दिनों में अक्सर जो है इनका परिवार, यानी सर्दी की बात कर रहा, जब सर्दी हो जाती है तो अक्सर जो इनका परिवार होता है वो नीचे के मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने, यानी यहाँ पे छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के जो मोटे तने जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि सभी घरों की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं, यहाँ पर जो लेह लद्दाख की जो घरों की छतें हैं वो समतल होती हैं। यहाँ पर जो छतें हैं वहाँ पे लाल मिर्च सूखने के लिए फैली हैं तथा सीताफल और मक्का भी जो हैं, कहीं पे किसी की छत पे जो है सीताफल और मक्का फैले हुए हैं और किसी छत पर जो है धान के ढेर भी लगे हुए हैं, किसी छत पर जो है उपले सूख रहे हैं यानी कंडे सूख रहे हैं, सीताफल को दोस्तों कद्दू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है एक बंदा है वो बता रहा है कि छत जो है उनके घर का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, यानी लेह लद्दाख में जो है छत जो है घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी जो है फल और सब्जी सुखा ली जाती हैं, ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है वो ठंडे दिनों में प्रयोग किया जाता है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती हैं, कहीं भी जब फल सब्जी नहीं मिल पाती हैं जो सूखी हुई सब्जी होती हैं उनका प्रयोग लेह लद्दाख में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इन्हीं से पूछा जाता है कि पूछ लिया जाता है घर की छतें जो हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पे दे देगा ढालू होती हैं या समतल होती हैं, तो माइंड में याद रखिएगा कि जो लेह लद्दाख की जो छतें हैं वो समतल होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दोस्तों श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर में कैसे घर हैं वो देखते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट जो होते हैं वो हाउस बोट में रहते हैं, यानी यहाँ के जो घर होते हैं वो बोट पर ही बना दिए जाते हैं, यानी नाव पर भी जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट जो होती है दोस्तों वो 80 फुट लंबी होती है और बीच में जो है इनकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फुट तक होती है। जैसे कि हम लोगों के जो नॉर्मल घर होते हैं उनमें बीच में जो चौड़ाई हम लोग छोड़ देते हैं, वैसे ही जो पानी में हाउस बोट जो होती हैं उनमें भी जो है
चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। ये जो है बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे होते हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की जो है डल झील यानी डल लेक और झेलम नदी, ये ध्यान रखिएगा, डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में से कई जो है परिवार भी रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे हम लोगों के नॉर्मल कमरे होते हैं उसी तरह इसमें हाउस बोट में भी जो है अलग अलग कमरे बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की जो छत होती हैं वो लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती हैं। इनमें एक खास डिजाइन है जिसको हम बोला जाता है खत्म बंद, यानी खत्म हुई और फिर बंद, ठीक है, जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है, यानी खत्म बंद जो है वो लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पर जो है पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर जो है कश्मीर के गांवों में दिखते हैं, यानी पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक जो है रखकर बनाए गए घर। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में कि एक घर बनाया है, फिर उसके ऊपर भी एक घर, यानी घर के ऊपर एक घर जो है बनाया जाता है, कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई होती है, यानी यहाँ पे जो है मिट्टी की पुताई की जाती है, और जबकि लेह और लद्दाख में चूने और मिट्टी की पुताई की जाती है। लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी यहाँ पे मिट्टी की पुताई होती है पत्थरों के ऊपर और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की जो छत होती है, यहाँ की जो छत हैं वो ढलवा हैं, यानी कश्मीर के घरों की जो छत हैं वो ढलवा हैं और लेह और लद्दाख के घरों की जो छत हैं वो समतल हैं। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ की छत ढलवा है और कहाँ की छत जो है समतल है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों कश्मीर में जो है पुराने घरों की जो खासियत है वो जालीदार खिड़कियां हैं, यानी जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं ये जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं। यहाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं, यानी जालीदार खिड़कियां जो होती हैं कश्मीर में पुराने घरों की उनको डब कहते हैं। इनमें जो है बैठकर लोग जो है बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है, यहाँ लोग बैठते हैं और आराम से जो है बाहर का नज़ारा देखकर एंजॉय भी करते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना, यानी यहाँ के जो घर बनाए जाते हैं कश्मीर में पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना, घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइन, दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। मेहराब का मतलब है दोस्तों जैसे घोड़े की नाल होती है इस टाइप से मूव होती है ना, वैसे ही जो है मेहराब होता है, मेहराब एज लाइक घोड़े की नाल की तरह है, होती है, डिजाइनदार जो है मेहराब बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए, इसमें विचार करना है और उसमें से सही कथन को छाटना है। राजस्थान गांव के जो लोग हैं मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि गर्मी भी होती है और इनकी छतें जो होती हैं कंटीली झाड़ियों की भी बनी होती हैं, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये देखते हैं कि ए वाला जो ऑप्शन है वो किस में मिल रहा है, तो ए वाला इसमें पहले में मिल रहा है और तीसरे में मिल रहा है, यानी दूसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बी नंबर, मनाली। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में घर जो है बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बांसों के खंभों पे घर बनाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, यानी मनाली में नहीं बनाए जाते हैं। ये बी जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, यानी इसमें क्या है 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं लेह में। मैंने बताया था कि लेह और लद्दाख में 2 मंजिल घर बनाए होते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, यानी
ए और सी जो ऑप्शन है वो सही होगा, ए और सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर एक है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर जो है पत्थर पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर जो है दो मंजिलें हैं। घर नीचे की मंजिलों पर जो है जानवरों को रखा जाता है, ज़रूरत का सामान भी जो है इकट्ठा करके रखा जाता है। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें जो हैं, छतें कैसी हैं, समतल हैं तथा इन्हें जो है पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे जो है दिए गए हैं किस प्रदेश का भाग है? दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो है आपको बताया कि लेह और लद्दाख, लेह लद्दाख में जो होते हैं छतें समतलें होती हैं, दो मंजिले घर होते हैं, और यहाँ पे जो पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से पुताई की जाती है, यहाँ पे बनाए जाते हैं। दोस्तों इसमें लेह और लद्दाख तो है नहीं, तो इसका जो ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में ही लेह लद्दाख आता है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बिल्कुल जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री है, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं अपने घर जो है इग्लू का निर्माण जो है बर्फ से करते हैं, इग्लू का जो निर्माण है बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध हो। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जहाँ पे केवल शब्द आए वो 100% गलत ही गलत है, यानी वो 100% गलत ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। और सी ऑप्शन है, बर्फ की दीवारों के बीच जो है मौजूद हवा अंदर की गर्मी बाहर जाने से रोकती है। सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा कि बर्फ की जो दीवारें होती हैं, दीवारों के बीच मौजूद हवा जो होती है अंदर की जो गर्मी होती है वो तो बाहर जाने से रोकती है, इसलिए जो है एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं इग्लू का जो निर्माण जो है बर्फ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार है, निम्न में लेह और लद्दाख के जो मकानों की विशेषताएं चुनें। पहला ए ऑप्शन है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। दोस्तों ये बता रहा है कि ढालू छतें होती हैं जबकि वहाँ पे जो है समतल छतें होती हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता है। बी ऑप्शन, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। हाँ तो ये ऑप्शन सही है कि लेह और लद्दाख में जो मकान बने होते हैं उसमें कोई खिड़की नहीं होती निचली मंजिल में। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन देखते हैं, पत्थर मिट्टी और चूने की बनी मोटी दीवारें होती हैं। यहाँ पे जो पत्थर होता है और मिट्टी और चूने से मिलाकर जो है पुताई भी की जाती है, मोटी दीवारों से बनी होती हैं, तो ये सी ऑप्शन भी सही है। और लकड़ी की फर्श होती हैं, ये डी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि यहाँ पे इसको लद्दाख को शीत प्रदेश या ठंडा प्रदेश भी कहा गया है, इसलिए वहाँ पे ठंड से बचने के लिए जो फर्श होती हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सी डी जिसमें होगा वो सही होगा, बी सी डी यानी बी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है दोस्तों, नीचे दिया गया है पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गाँव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गाँव से आया हूँ, हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए जो घर जो है धरती से लगभग जो है 10 से 12 फुट यानी 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए होते हैं। ये घर जो है अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। ये गांव जो है होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन असम। दोस्तों और बी ऑप्शन जो है असम है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 फुट ऊंचाई पर मकान बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, निम्न में नीचे दी गई विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को पढ़ना है और बताना है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि निचली मंजिल में जो है कोई खिड़की नहीं होती है लेह लद्दाख में। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, पेड़ के तनों की लकड़ी जो है बनी जो है ढालू छतें होती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ढालू छतें नहीं होती हैं, समतल छतें होती हैं, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, पत्थर
पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर बने होते हैं। दोस्तों 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर जो घर होते हैं वो असम के होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हाँ, डी नंबर देखते हैं। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, इसमें जो चूने और गारा यानी मिट्टी से जो है पुताई की जाती है, बनी मोटी दीवारें होती हैं, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और डी। और 5वां नंबर देखते हैं, लकड़ी के फर्श। यहाँ पे दोस्तों लकड़ी की फर्श बनी होती है, क्योंकि लद्दाख को जो है शीत प्रदेश या ठंडा प्रदेश भी कहा गया है, और ठंडी से बचने के लिए लकड़ी जो है ये फर्श बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ए डी फाइव ये डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के जो लक्षण हैं वो नीचे दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख के बताना है कि वो जो है किस राज्य से संबंधित हैं। ए ऑप्शन है, मकान जो है मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, यहाँ पे मजबूत बांस की बात की गई है। हाँ, और बी जो है ऑप्शन है, अंदर से भी मकान जो है लकड़ी से ही बने होते हैं। और सी ऑप्शन है, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 फुट की जो है ऊंचाई पर बने होते हैं। और डी ऑप्शन है, मकानों की छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं, यहाँ की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है, दोस्तों तो भारी वर्षा की बात आ गई है, बस यही पकड़ लेना कि ये जो है असम की राज्य की जो है बात हो रही है। गांव किस राज्य में होना चाहिए, ये जो गांव है वो असम राज्य में होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जो है कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है और घरे जो मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश बिहार की तो बात ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा, असम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान करना है इसमें दोस्तों। मनाली, मनाली में जो है घर कैसे बनाए जाते हैं, राजस्थान में घर कैसे बनाए जाते हैं, इन सब का मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो देख, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मनाली में जो है दोस्तों पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, इसका एक का जो दूसरा ऑप्शन सही होगा। और राजस्थान में जो है कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, यानी इसका जो चौथा ऑप्शन होगा, मिट्टी के घर जो हैं जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। और असम में दोस्तों बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में है दोस्तों जो वो होते हैं पत्थर के बने घर, जिनके फर्श और छतें जो हैं लकड़ी की बनी होती हैं। तो ए का दूसरा ऑप्शन होगा, इसमें भी ए का दूसरा है, ए का दूसरा, ये दो दोनों नीचे वाले गलत हो गए उसमें, क्योंकि ए का दूसरा है नहीं, तो इसमें देखते हैं कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। बी नंबर देखते हैं, बी का जो है चौथा ऑप्शन है, बी का इसमें 5वां दिया हुआ है, इसमें चौथा दिया है, तो दोस्तों जो है 2 नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। दोस्तों ये ध्यान देना कि नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर नहीं के ऑप्शन को ध्यान नहीं देते हैं, और क्वेश्चन का जो आंसर आता हुआ भी गलत लगा के चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, पहला ए ऑप्शन है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। दोस्तों शिक्षक का जो शैक्षिक अभिप्राय है वो नहीं है, वो ए ऑप्शन से होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना जो है ये अभिप्राय नहीं है, क्योंकि अगर रद्दी वस्तुओं के जो सामग्री है उसका उपयोग करने को कहता है तो उसका मतलब है कि वो सृजनशीलता का विकास कर रहा है, पुनश्चक्रण पुनः प्रयोग रूपांतरण को समझने दे रहा है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है, यानी इसमें दोस्तों बस पूछा गया नहीं है, तो नहीं में जो है वो श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना जो है नहीं है, शैक्षिक अभिप्राय जो है नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोलकोंडा किला जो है किसने बनवाया था, तो गोलकोंडा किला जो है दोस्तों काकती राजवंश ने बनवाया था, यह बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांगपा जनजाति के
जो लोग हैं वो अपने टेंट जो लगाते हैं टेंटों को उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो भी रैबो कहते हैं, यानी जो टेंटों को जो है रैबो के नाम से पुकारते हैं या रैबो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, इग्लू मकान जो है किस प्रकार बने होते हैं, आयताकार, वर्गाकार, गुम्बद के आकार। दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, गुम्बद के आकार का इग्लू मकान जो होते हैं बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, चांपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए किस जानवर के बालों से सिलकर अपने टेंट या वैबो के लिए पट्टियां बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही है दोस्तों, याक जो है जानवर का प्रयोग जो है बालों का जो प्रयोग करते हैं वो अपने टेंट या रैबो को सिलने के लिए, पट्टियां सिलने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, कदमबंद क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो सही होगा, लकड़ी की नक्काशी जो होती है जो छतों पे की जाती है वो कदमबंद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कदमबंद यानी लकड़ी की नक्काशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मिट्टी के घरों में जमीन पर गोबर से लिपा जाता है, क्यों लिपा जाता है। ए ऑप्शन है ताकि खुशबू आए, बी ताकि वह चिकना हो जाए, सी क्योंकि गाँव में गोबर बहुत होता है, डी जो है क्योंकि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, क्योंकि जो है इससे क्या होता है मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।